लाहौर सफारी पार्क में शेर नौजवान को खा गया। बिलाल घास काटने के लिए पार्क में दाखिल हुआ था। शेरों को खाना देते वक्त इंतजामिया को बाकियात मिली। तहकीकात का आगाज कर दिया गया। शेर के हमले में नौजवान जांबहक अनदोहनाक वाकया गुज़श्ता शाम पेश आया। तहम इंतजामिया ने नौजवान की बाकियात सुबह बाहर निकाली। पुलिस की तफ्तीशी टीमों ने मौके पर पहुंचकर जाया वकुआ से शवाहिद इकट्ठे किए। रायवन रोड की सफारी पार्क की इंतजामिया ने कहा है कि 18 साल मुलाजिम बिलाल घास काटने के लिए पार्क में दाखिल हुआ था, जिसकी बाकियात मिलने पर हलाकत का इंकशाफ हुआ। डायरेक्टर सफारी पार्क चौधरी शफकत ने कहा है कि बच्चे के लवाहिकीन ने सुबह सफारी पार्क इंतजामिया से राबता किया था। लवाहिकीन ने बताया कि उनका बच्चा परसों से लापता है। बच्चे के लवाहिकीन ने यहाँ राबता किया हमारे स्टाफ के साथ कि उनका बच्चा परसों से मिसिंग है और उन्हें कुछ ऐसा क्लू है कि भाई अंदर उसके कोई कपड़े उनको कोई नजर आए हैं तो जो है ना वो सर्च करना चाहते हैं। तो जिस पर स्टाफ ने मेरे साथ रब्ता किया, मैं एक मीटिंग में था तो वहाँ मैंने उनको अलाउ किया कि ठीक है आप उनको तसली कराएं। पुलिस के मुताबिक बिलाल अठोवाल गांव का रिहायशी था और उसका चचा सफारी पार्क में मुलाजिम था। बिलाल जंगला भलांग कर घास काटने पार्क में आया था। दूसरी जानब नौजवान के वालिद मोहम्मद शरीफ ने पार्क इंतजामे के खिलाफ किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई से इनकार करते हुए बेटे की लाश हवाले करने का मुतालबा किया। दूसरी जानिब सफारी पार्क में शेरों के हमले से हलाक नौजवान के अहलेखाना ने रायवन रोड पर एहतजाज किया। मुजाहरीन ने सफारी पार्क के दफ्तर में तोड़ फोड़ भी की।